आज ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। वहीं वजू की दीवार गिराने की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हमने एप्लीकेशन लगाई है वहाँ पे कि जो वजू खाने के नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए, उसका जो मलबा है उसको हटाया जाए, उस पर कोर्ट अपना आदेश आज पारित करेगा। आज सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस रिपोर्ट से साफ होगा कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला या फवारा। इसके साथ ही इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि मस्जिद में सर्वे का काम आगे भी जारी रखना है या विवाद खत्म होता है। इस बीच सर्वे की रिपोर्ट के लिए 2 दिन का और वक्त देते हुए सिविल कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर विवादित टिप्पणी करने की वजह से AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद अहमदाबाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कुरैशी ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दिल्ली में बुलडोजर अभियान का विरोध कर रहे कल्याणपुरी से आप विधायक कुलदीप कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। MCD की टीम बुधवार को कल्याणपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही थी, जिसमें 4 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान आप विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले कुछ महीनों से नाराज चल रहे थे। हार्दिक ने सोनिया गांधी को लेटर लिखते हुए कहा है कि कांग्रेस हाईकमान का ध्यान मुद्दे सुनने से अधिक चिकन सैंडविच और मोबाइल फोन पर रहता है। 15 दिन पहले राहुल गांधी की हार्दिक पटेल से बात भी हुई थी। गुजरात में नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। हार्दिक पटेल के BJP में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। अब रातों रात क्या हुआ, ये जो चिट्ठी जारी की है ये उनकी ड्राफ्टिंग ही नहीं है, ये तो दस्तखत किए हैं उन्होंने। वो अपने केसेस विड्रॉ करवाने के लिए पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के टच में थे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को भेजे पत्र में उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी बताई है। बैजल को नजीब जंग की जगह 2016 में उपराज्यपाल बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बैजल के बीच कई बार फैसलों को लेकर टकराव देखा गया। भारत ने स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया। इसे ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से नेवी के हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। ये टेस्ट भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान और DRDO ने मिलकर किया है। ये पहला एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जिसे भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। इस टेस्ट में मिसाइल ने सभी टारगेट पूरे किए। शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इंद्राणी 6 साल से ज्यादा समय से जेल में है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है। इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी। इंद्राणी मुखर्जी साल 2015 में गिरफ्तार हुई थी। वो मुंबई की बाईकुला महिला कारागार में बंद है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों में से AG पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन पिछले 31 सालों से जेल में बंद था। पेरारिवलन समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इस मामले में संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रविचंद्रन जेल में सजा काट रहे हैं। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि 1 सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए, अगले 1 सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सरकार ने OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। असम में बाढ़ का कहर जारी है। करीब 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 33 में से 26 जिलों में पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। यहां दीमा हसाओ जिले का एक रेलवे स्टेशन तो पहाड़ों से गिरे मलबे की चपेट में आ गया है।
हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन बाढ़, लैंडस्लाइड और पानी का प्रहार नहीं सह सकी और पूरी ट्रेन ही पलट गई, जिसके बाद से ट्रेन के आसपास मलबा हटाया जा रहा है, जिससे ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ने के लायक हो सके। ये रेलवे स्टेशन असम के सबसे खूबसूरत स्टेशन में शामिल है। पहाड़ों से घिरा यह खूबसूरत स्टेशन लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बर्बाद हो गया। असम में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 लोग लापता हैं, जिनके बचने की उम्मीद भी कम ही बताई जा रही है। असम के अलग अलग जिलों में 142 रिलीफ कैंप बने हैं, जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों ने शरण ले रखी है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं। एनडीआरएफ गांव और गलियों तक बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। इस तस्वीर को देखिए, जहां बाढ़ में फंसा एक शख्स काफी दूर तक तैरकर वापस आ गया। बारिश ने पूरे पूर्वोत्तर में रेल और सड़क यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बाढ़ और मिट्टी के कटाव की वजह से कई जगह रेल की पटरियां हवा में झूलती दिखाई थी। लगातार हो रही बारिश का पानी रेलवे ब्रिज के नीचे से मिट्टी बहा ले गया, जिससे ये पुल हवा में लटक गया। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज से सिलचर से निकली गुवाहाटी एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, लेकिन समय रहते उसे रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए रेस्क्यू ट्रेन तक जाना पड़ा। कुछ यात्रियों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। यात्रियों ने एयरफोर्स के जवानों को देवदूत बताते हुए उनका आभार जताया। असम की तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में अचानक पहाड़ दरकने से कई लोगों की जान पर बनाई। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरका और रोड पर आ गिरा। उस वक्त मौके पर रुकी गाड़ियों ने तुरंत आगे पीछे होकर जान बचाई। एक पल की देरी उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती थी। ये लैंडस्लाइड ईटानगर और जायरो के बीच की सड़क पर हुआ। इस हादसे के बाद से कई घंटे के लिए रास्ता जाम रहा। गुजरात के मोरबी जिले में एक नमक कारखाने की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत हो गई। हलवद इलाके में जिन मजदूरों की मौत हुई उनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। और हैरानी की बात है कि 6 लोग एक ही परिवार के हैं। दीवार के नीचे करीब 30 मजदूरों के दबे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इन लोगों को जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। वैष्णो देवी की पहाड़ियों में आग का तांडव जारी है। रियासी वन विभाग लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जंगल आग से सुलग रहे हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारी भी आग पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। वैष्णो देवी के रास्ते हिमकोटी के पास भी आग लगी थी, जिसके बाद से बैटरी कार मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। बताया जा रहा है कि गर्मियों में हर साल जंगलों में आग लग जाती है, लेकिन इस बार 5 दिन से आग लगी है और फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। आग से लाखों की खनिज संपदा जलकर खाक हो चुकी है। हरिद्वार में भी आग का कहर दिखा। पतंजलि मसाला प्लांट में भीषण आग लगने से फूड पार्क की यूनिट को लाखों के नुकसान का अनुमान है। बताया जा रहा है कि पतंजलि फूड पार्क की मसाला यूनिट में आग लगी थी, जिसने पलक झपकते ही पूरी यूनिट को अपने आगोश में ले लिया। मायापुर फायर स्टेशन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल BHEL की फायर यूनिट की टीमों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई।